प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर से जुड़ी एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र रावत और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने किया। इस मौके पर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, विधायक और सरकार के मंत्री मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी के जन्म से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर को दर्शाया गया और साथ ही पीएम द्वारा देश के विकास और गौरव के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को भी दर्शाया गया। प्रदर्शनी 20 सितंबर तक लगी रही। नैनीताल हाईकोर्ट से प्रदेश के सबसे बड़े छात्रवृत्ति घोटाले में आरोपी पूर्व समाज कल्याण अधिकारी और वर्तमान के ज्वाइंट डायरेक्टर समाज कल्याण गीताराम नौटियाल की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा दी गई है। कोर्ट ने पाया कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग द्वारा कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है और कोर्ट के आदेश के बाद गीताराम नौटियाल की जल्दी गिरफ्तारी की हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने कानूनी कार्रवाई में बाधा डालने पर गीताराम नौटियाल पर 25,000 का जुर्माना लगाया। और आपको बता दें कि छात्रवृत्ति घोटाले पर आरोपी गीताराम नौटियाल ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व में नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और दोनों ही कोर्ट ने गीताराम नौटियाल की याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद नौटियाल पर SIT ने FIR दर्ज की। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके वरिष्ठ नेता गणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनहत्तरवां जन्मदिन पर नाच गाकर जश्न मनाया। वहीं कोटद्वार में लैंसडाउन के विधायक दिलीप सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेस अस्पताल में पूरे सप्ताह भर रक्तदान शिविर और स्वच्छता कार्यक्रम मनाने का फैसला किया है। विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर बसा में मैत्री बस की आड़ में नेपाल से अवैध तरीके से बसों पर संचालन हो रहा है, जिसके बाद बसा के व्यापारियों ने व्यापार में नुकसान होने पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन और RTO विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जहां बिना दस्तावेज नेपाल से देहरादून चल रही एक मैत्री बस को सीज कर दिया है, तो RTO विभाग ने पर्यटन बस के नाम पर नेपाल से अवैध तरीके से नियमित रूप से चल रही दो बसों को सीज किया है। रुड़की में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की और इस दौरान एसोसिएशन ने हरिद्वार की CMO सरोज मेथानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हरिद्वार में के लाल टांग ने एक वरिष्ठ चिकित्सक पर कार्रवाई कर उन्होंने उच्च न्यायालय की अवहेलना की है, क्योंकि वह चिकित्सक 1980 बैच के BAMS डॉक्टर है और 1985 में उन्हें भारतीय चिकित्सा परिषद में चिकित्सा करने की अनुमति दी गई थी। वही समस्त डॉक्टरों को हाईकोर्ट से स्टे भी है, लेकिन बावजूद इसके CMO ने अपनी हठधर्मी के चलते चिकित्सक का क्लिनिक सील किया था, जबकि उन्होंने इसका कोई अधिकार नहीं है। वही मामले में अब पूरे नीमा के लोगों ने मांग की है कि सरकार एक सप्ताह के भीतर चिकित्सक के क्लिनिक की सील खोले, नहीं तो प्रदेश भर के 7,000 आयुष चिकित्सक एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 13 अक्टूबर 2011 को मसूरी में हुई पत्नी की हत्या मामले में देहरादून में ADG चतुर्थ की अदालत ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में 12 गवाह पेश हुए, जिसके बाद पति सचिन मिश्रा दोषी करार दिया गया। दोषी पति ने कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता जया ठाकुर ने बताया कि मसूरी के गनहील मार्ग कमलेश मिश्रा का शव पड़ा हुआ मिला था और वही ऋषिकेश पुलिस को पति ने झूठी सूचना दी थी और उसकी पत्नी घाट नहाते समय डूब गई थी। जब मामला खुला तो पता चला कि पति सचिन ने पत्नी का शव पत्थर से कूचकर गनहिल मार्ग पर झाड़ियों में फेंक दिया। राजधानी पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ईंटों की आड़ में छुपा कर लगाई जा रही 130 पेटियां अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने मामले में 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वही SSP अरुण मोहन जोशी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चंडीगढ़ में चुनाव की दृष्टि से लाई जा रही हरियाणा मार्का की 130 पेटियां अवैध शराब समेत ट्रक को कब्जे में लिया गया है और फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ में जुटी हुई है। उत्तरागढ़ के एक शिक्षक ने नजीर पेश की है। शिक्षक द्वारा 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर लंबे समय से अपने गांव में सपनों की उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था, जिस प्रतियोगिता में गांव के बच्चों द्वारा भाग लिया जाता था, जिसमें निबंध, सम्मान, ज्ञान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता था और प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता को पुरस्कार वितरित किए जाते थे। वह हर साल प्रतियोगिता में गांव के बच्चों के साथ साथ गांव के लोग बढ़ चढ़कर गांव के बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते थे। वहीं से प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य गांव के ही किसी बुजुर्ग को मिलता है और इस बार मुख्य अतिथि का सौभाग्य चंद्रा उपाध्याय को मिला है।
भाजपुर विधानसभा के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एनएच विभाग द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां कर्मचारी मानकों को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, कर्मचारी क्रेन से लटके एक तार पर डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी मौत को न्योता देने का काम कर रहे हैं। वही भाजपुर एसडीएम ने बताया कि मीडिया के द्वारा मामला संज्ञान में आया है और एनएच विभाग से संपर्क साधकर ऐसे कर्मचारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार चिंता में है। तो वहीं बागेश्वर जिला में डेंगू का पहला मामला सामने आया है। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फर्शवान को बुखार की शिकायत होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद जांच में उन्हें डेंगू होने की पुष्टि भी हुई है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर का कहना है कि प्रदेश में बहुत तेजी से डेंगू फैल रहा है, जिसके बाद मरीजों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी सहित कई घाटों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एनजीटी और हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद भी प्रशासन घाटों पर प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने में नाकाम है। हालांकि समय समय पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करती है, लेकिन प्लास्टिक और प्लास्टिक की कैन बेचने वाले वापस आकर जमा कर जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से संकल्प यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील देशवासियों की थी, लेकिन हरिद्वार में अपील तो क्या, न्यायालयों के भी आदेश भी बेअसर है। नगर आयुक्त का कहना है कि हर की पैड़ी पर प्लास्टिक का उपयोग ना हो, इसके लिए लगातार कार्रवाई की जाती है। लोगों को जागरूकता से ही प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग में रोक लग सकेगी। हरिद्वार के जुर्स कंट्री टाउनशिप इलाकों रुकी चोरी का जोरापुर पुलिस ने खुलासा किया और साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी में इस्तेमाल की गई कार और 31,000 रुपए बरामद किए गए। एसपी सिटी ने बताया कि जुर्स कंट्री टाउनशिप चोरी में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर कई थानों में चोरी के मुकदमे दर्ज है। मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा जा रहा है और साथ ही अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है।